हाय गाइस, आपका H.A.S एकेडमी के चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस एंड आंसर की ऑफ HPPSC ALLIED एग्जाम। सो आंसर की डिस्कस करने से पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस, जैसा कि कैसा इसका पैटर्न था, कैसे इसमें क्वेश्चंस आए थे और कंपैरिजन किया जाएगा उसका लास्ट ईयर से कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस थे और इस साल किस सेक्शन से कितने आंसर्स आए हैं। सो आइए शुरू करते हैं। O2YS Academy, a premier institution for civil services. First चीज जो देखी गई है, that is हिमाचल जीके का एक prominent section रहता है, लेकिन इस बार current affairs ने भी dominate किया है exams में. Next is options were very tricky. जो options थे, they were not very direct, जैसे कि last time थे. This time students were really confused. Next is बहुत सारे questions UPSC के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं या फिर काफी पहले के हैं उनमें से कॉपी किए गए थे। जो स्टैट्स और डाटा यूज किया गया है दैट इज वेरी आउटडेटेड। 2017 के स्टैट्स पूछे गए हैं, सर्वे और जो बजट है उसके क्वेश्चंस भी 2017 से पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज, जैसा कि आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी के ऊपर, गांधी इज अ वेरी प्रोमिनेंट सेक्शन, स्पेशली सिलेबस में अलग से स्पेसिफाई किया गया है कि गांधी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। सो उसमें से 10 क्वेश्चंस आए थे, जैसा कि मैंने बताया करंट अफेयर्स के तो 63 क्वेश्चंस, विच वाज वेरी मच, एंड इकोनॉमी में से 7 क्वेश्चंस आए हैं, साइंस एंड टेक में से 12 क्वेश्चंस आए हैं, मॉडर्न इंडिया से भी एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट देखा गया है विच इज 20 क्वेश्चंस, एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया उसमें से भी 27 क्वेश्चंस आए हैं। पॉलिटी से इस बार सिर्फ 8 क्वेश्चंस आए हैं और हिमाचल के एज इट इज 60 क्वेश्चंस आए हैं। सो यहाँ पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि लास्ट टाइम कितने क्वेश्चंस आए थे और नेक्स्ट टाइम कितने आए हैं। सो आप देख सकते हैं कि HP के क्वेश्चंस जो हैं वो 60 कांस्टेंट हैं, करंट अफेयर्स हैव ऑलमोस्ट डबल्ड, पॉलिटी 18 से 8 तक आ गई है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री के इस बार 20 क्वेश्चंस आए हैं, ज्योग्राफी जो है वो भी ऑलमोस्ट डबल हुई है, एंड इकोनॉमिक्स 10 से 7 तक डिक्लाइन किया है। एनवायरमेंट के इस बार सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं जबकि लास्ट टाइम 10 क्वेश्चंस आए थे। ऑल्सो डिजास्टर मैनेजमेंट के भी इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हैं। साइंस इज ऑलमोस्ट सेम, एंड गांधी के ऊपर लास्ट टाइम भी 10 क्वेश्चंस आए हैं, इस बार भी 10 आए हैं, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम भी 10 आएंगे बिकॉज गांधी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल सिलेबस। तो गाइज, हम आंसर की जो है वो डिस्कस करेंगे सेक्शन के बेसिस पे। आवर फर्स्ट सेक्शन इज 10 क्वेश्चन जो कि गांधी के ऊपर आए थे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अप टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द कांग्रेस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी वाज रिटन। आंसर इज नागपुर सेशन ऑफ 1920। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन रस्किन्स बुक अनटू द लास्ट किसने दी थी गांधी जी को। तो आंसर इज हेनरी पोलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, which contain the directive principles of the state policy, identify the articles which have the scope of Gandhian principle. So, our answer is article 40, 47 and 48. Next question is, Gandhi ji ke opinion mein, conflict ko resolve karne ka sabse achha tarika kaun sa tha? To iska answer hai, mutual dialogue. Our next question is, civil disobedience movement ko Gandhi ji ne kab call off kiya tha? So, iska answer hai, 1934. Moving forward, next is, popularly known as Mirabain, a staunch disciple of Gandhi ji, was sent to Delhi to oppose the Viceroy about the Congress Working Committee resolution on Quit India Movement. So, unka real name kya hai? Answer is Miss Slade. Our next question is, of the following, who was the first recipient of Gandhi Peace Prize? The answer is Julius Nair. Which of the following is correct about Gandhi ji? So Gandhi ji bolte the, he believed in the maxim of the government is the best which governs the least. Next question is, with which of the following newspapers Mahatma Gandhi was associated as editor? So Gujarat Darpan se nahi the and Times of India se bhi nahi the. So answer is 1, 3 and 4. Moving forward, Anayasuya Behen, no. Moving forward, Anasuya Behen, one of Gandhi's main lieutenants, was the sister of, the answer is Ambalal Sarabhai.
सो जो नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हिमाचल जी के. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ एचपी अंडर ब्लू रेवोल्यूशन हैज इनवाइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स एंड ट्राउट यूनिट्स. सो इसका आंसर है 1000 हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स एंड 1000 ट्राउट यूनिट्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, हिमाचल का ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है ड्यू टू रेन शेडो इफेक्ट. द आंसर इज स्पीति. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द आयरन किंग हु डिफीटेड कीर्थास पावरफुल रूलर सांबर. सो हिज नेम वॉज देवोदास. नेक्स्ट कल्चर आपका क्वेश्चन में कल्चर में से है प्रायनो, जंजारा, डोगरी. ये जो ट्राइब्स हैं ये उनके किस टाइप का क्या है ये. सो दिस इज मैरिज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स वॉज कंसीव्ड बाय डब्ल्यू गोल्डस्टीन द देन सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स. सो द आंसर इज शिवरात्रि. हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज लेड बाय सर हैरी स्मिथ एंड सिक्स लेड बाय रणजोत सिंह मजीता. तो द आंसर इज बैटल ऑफ अलीवल. नेक्स्ट इज, हु स्टार्टेड अ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा इन 1878. सो द आंसर इज कर्नल रीड. मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ग्राम पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश has been selected among 20 gram panchayats all over the country for national level of Rashtriya Gaurav Gram Panchayat Award 2017. So, iska answer hai Kuthed. Which of the following is the highest peak of Kinnaur? So, agar aapne meri pehle wali videos dekhi hongi, I have discussed it. It's Leo Pargil. Our next question is, which of the following product is not registered under GI indication. So, iska answer hai Sirmori Loi. So, our next question is, who among the following from Kullu was the member of an all-women Navy crew named Tarni for circumnavigating the globe? So, the answer is Lieutenant Commander Pratibha Jamwal. Our next question is, who is the author of the book The Himalayan District of Kullu, Lahol and Spiti? So, iska answer hai AFP Harcourt. Our next question जो है वो एक matching question है. First voter of Indian democracy, first lieutenant governor of Himachal Pradesh, first speaker, first secretary of Himachal Pradesh. So इसका answer जो है वो है D. Moving forward, हमारा next question है, who was the architecture of Gordon Castle of Himachal Pradesh? So इसका answer है SS Jacob. Next question, to meet the sustainable development records by 2030, what aim has been set up by the Department of Forest to enhance the forest cover of the state? Iska answer hai 30% of its geographical area. Hamara next question hai, tourism sector state ka kitna percent GDP deta hai? So wo hai 66.6%. Our next question is, aisa kaun sa pass hai jahan par Zanskar, Ladakh, Spiti and Lahol meet karte hai at the height of 4890 meter? Iska answer hai Baralacha pass. So our next question is, who according to Ryerson was earlier known as Indo-Aryan of the Himalayan tract? So iska answer hai Khas. Our next question is, who built the Bhutna temple and founded the Mandi town? So it's a basic question jiska answer hai Raja Ajmer Sen. Hamara next question hai ki inme se kaun si paintings ko GI tags hai world market mein wo diya gaya hai. So that is Kangra paintings. Our next question is, who was considered as one of the great masters of Pahadi miniature painting in the reign of Raja Sansar Chand of Kangra? So, iska answer hai Manku. Next question, which of the following is the oldest princely state in Himachal Pradesh which finds mention of Mahabharata? So, iska answer hai Trigartha. Hamara agla sawal hai, goddess Naina Devi ka jo temple hai, धार नैना देवी, वो किसने बनाया है? इसका आंसर है राजा बीरचंद. Our next question is, which of the following districts of Himachal Pradesh was declared as backward? जो इंडिया के न्यू इंडिया के 2022 के विजन में बैकवर्ड जिसे बताया गया है, दैट इज चंबा. अगला सवाल इज, अंडर सिल्क प्रोडक्शन अ फॉरेन स्पीशी बेसिक सिल्क सीड स्टेशन कहां पर खोला गया है? सो इसका आंसर है नगरोटा.
Our next question is, which valley of Kinnaur is connected with Uttarakhand with several passes? Iska answer hai Baspa Valley. Our next question is, in the year 1804, who was invited to invade Kangra? Sansar Chand ko invade karne ke liye Kangra mein kise bulaya gaya tha? So answer is Amar Singh Thapa. Our next question is, name the ruler of Rampur Bushehr, jise Hangrang Valley Jagir mein di gayi thi Tibet ne. Iska answer hai Raja Kehri Singh. Hamara agla sawal hai, Pin Valley jo hai, use National Wildlife Conservation Park kaha jata hai for the protection of which animal? Iska answer hai Snow Leopard. Moving forward, next is the Idol Viceregal Lodge. Wo banaya gaya tha Lord Lytton dwara. Lekin usme first rehne wala jo Lord the, that was Lord Durfin. Our next question is, who was the first and only recipient of Tagore Samman from Himachal Pradesh? So iska answer hai Gambhri Devi. Hamara agla sawal hai, Himachal ka aisa kaun sa gaon hai jise highest polling station jo hai wo karar kiya gaya hai? So that is Tashigang village. Our next question is, which of the following police station of Himachal Pradesh has become the first police station to be linked with crime and tracking network system? So yahan pe aap dekh sakte hain, tricky question hai kyunki hame Shimla pata hai lekin Shimla mein kahan? So the answer is Sinjoli police station. Hamara next question matching question hai jisme hame batana hai ki kaun sa power electric jo hydro electric project hai wo kaun se river par hai. So yahan pe hame pata hai ye Giri river hoga. Giri river jo hai wo Yamuna par hai. Isme jab hum deduce karte hain to answer aata hai B. So hamara jo next sawal hai, that is, how many villages have been identified in the state of HP during the year 2018 and 19 for the creation of model eco villages? So iska answer hai 11 villages. Hamara next question hai, wo aaya hai 2018-19 mein roads and bridges ko kitna outlay diya gaya tha? To iska answer hai 955.14 crore. Hamara next question hai, April 15, 1948 mein kaun si princely states ko emerge kiya gaya tha Himachal Pradesh mein? So iska answer hai Sirmaur aur Chamba ko. Next is Barashigri, jo sabse largest glacier hai Himachal Pradesh ka, use kaun si river wahan se nikalti hai? To iska answer hai Chenab. Our next question is, who was the ruler of Bhirmaur during later 7th century AD when Kashmiri style of art entered in Himachal Pradesh? So iska answer hai Sahil Varman. Our next question is, who was the earliest inhabitants of Himachal Pradesh? Iska answer hai Dasas, Nishad and Dasyus. Hamara agla sawal hai, who transferred the seat of government from Brahmapura Bhirmaur to new capital founded in Chamba? Iska answer hai Sahil Varman. Our next question is, which of the following is not the breed of poultry? So iska answer hai Rome Bullet. Our next question is, the person and guiding force who motivated the master weaver Mr. Vedram Thakur, a private entrepreneur, to join Bhutiko was Gurcharan Singh. Next question, culture ka jata hai, Betas community jo ki professional dancers jane jate hain wo kis district se hain? To iska answer hai Lahol Spiti. Next is a fact ki Getty theater mein sabse pehla play kaun sa kiya gaya tha? So the answer is Time Will Tell. Our next question is, in mein se kaun hai jisne Everest ko nahi chada hai? So the answer is Ajay Sharma. Our next question is, jo ki humne cover bhi kiya tha hamare current affairs mein, the Ministry of Tribal Affairs ka sabse pehla jo school hai, Eklavya Model Residential School, wo kahan par hai? To wo Nicher mein hai, jo ki Kinnaur district mein hai. Our next question is a matching question. Isme yahan par Sati hai. So isko match karna tha. Sati jo first thi wo Rajkumari Amrit Kaur ne ki thi. Yahan pe iska answer hoga D. जो इसकी ऑफिशियल आंसर किया है उसमें आंसर सी दिया गया है, बट दैट्स नॉट करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज डी. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट एमू ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल सेट अप बाय इजी वे विद अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी कहां पर है? सो वो खुला है गंडवाल में. नेक्स्ट है, तेलांगी और रिब्बा जो है किस ड्राई फ्रूट की वैरायटीज हैं? इसका आंसर है
आमंड। सो हमारा अगला सवाल है, लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो कितनी परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया कवर करता है? सो इसका आंसर है 24.85%। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेदास में कौन सी रिवर का जो मेंशन है वो नहीं किया गया है? सो इसका आंसर है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसी कौन सी जगह है हिमाचल प्रदेश की जहां पर दशहरा नहीं मनाया जाता रावण को जलाकर, मेघनाथ को इनके एफिगीज को जलाकर? सो इसका आंसर है बैजनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पुराणास द किन्नर आर सेड टू बी इनहेबिटेड बाय महानंदा माउंटेन्स? सो इसका आंसर है वायु पुराणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू ऑन हिज वे टू लद्दाख? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है एंड इसका आंसर है मूटक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैली को ग्रीनरी एंड ऑर्चिड ऑफ लाहौल स्पीति कहा जाता है? सो इसका आंसर है पत्तन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेल आस्क्ड क्वेश्चन, वेयर इज चिन्मय तपोवन इन हिमाचल प्रदेश? जिसका आंसर है धर्मशाला। हमारा अगला सवाल है, टू एनकरेज रूरल एंड ट्राइबल गर्ल्स टू ज्वाइन स्कूल एंड स्टडी, द नेल्सन मंडेला सांभवा अवार्ड हैज बीन गिवन टू, किसको मिला है? ये मिला है हेमलता उपाध्याय को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, विस्टाडोम कोच जो चली है वो कहाँ पे है? सो वो कालका शिमला जो आपका रेलवे है उस पे चली है। हमारा अगला सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ ने कौन सा स्टैम्प रिलीज नहीं किया है? तो इसका आंसर है द रिज शिमला। मूविंग फॉरवर्ड, अगला जो सेक्शन हम कवर करने वाले हैं दैट इज ज्योग्राफी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हैज कॉज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन ऑफ इंडिया? सो इसका आंसर है फ्लड, ये होगा फ्लड। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी? इसका आंसर है देवप्रयाग। अगला इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जो मजौली रिवर एक आइलैंड है छोटा सा, वो कौन सी रिवर पर है? तो वो ब्रह्मपुत्रा पे है। सतलुज रिवर कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ से राइज करती है? तो इसका आंसर है राक्षसा ताल। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? यमुना की ट्रिब्यूटरी सीरसा नहीं है। सोम्ब रिवर, जो सोम रिवर भी है, सोम रिवर ये हरियाणा में यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट इज, सबसे ज्यादा डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस कौन से स्टेट की है? दैट इज बिहार। नेक्स्ट इज, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है। हमारा अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्राउन डायमंड? सो ये लिग्नाइट को कहा जाता है। बिलो पॉवर्टी लाइन हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है? इसका आंसर है उड़ीसा। अमंग विच ऑफ द स्केड्यूल्ड लैंग्वेज स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा है? सो ये कश्मीरी है। भोपाल गैस डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन आया है, सो ये एक मैनमेड डिजास्टर है। हमारा अगला सवाल है, मॉडर्न सिस्मोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? सो दैट इज आर डी ओल्डहैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसका जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की में गलत दिया गया है। NDMA जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसे हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी कहाँ कब हुई थी? सो इसका आंसर है 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इसकी जो आंसर की में प्रॉब्लम है, नॉर्थ अमेरिका में वाइल्ड फायर को क्या क्या कहा जाता है? सो इट्स नन ऑफ द अबव, एल नीनो इज समथिंग एल्स, फॉरेस्ट फायर एक जेनेरिक टर्म है, और बुश फायर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। नेक्स्ट इज, सबसे लैंड प्रोन एरिया कौन सा है इंडिया में? सो दैट इज हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। हमारा अगला सवाल है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड कौन करता है? दैट इज सीएम ऑफ द स्टेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइक्लोन्स अक्रिन इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन आर कॉल्ड हरिकेन्स। नेक्स्ट सवाल भी डायरेक्ट था, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो वर्ल्ड का कौन सा है? तो ये है मौना लाओ इन हवाई। और नेक्स्ट इज, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय मॉडिफाइड मर्केली स्केल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम? सो दैट्स इंडिया। मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आर्कटिक आइस इज रिप्लेस्ड बाय डेंस फॉरेस्ट तो क्या होगा? सो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग इज द अवार्डेड एज द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2019? इसका आंसर है कोस्टा रिका। हमारा अगला सवाल,
Which of the following is defined as the process of involving the local people in the protection and management of forest? So, its answer is joint forest management. Our next question is, which of these describes the relationship between global water resources and human demand? So, its answer is water crisis. Our next question is, in an island, biodiversity is low, high, neither high or low, or extremely low. So, its answer is high. Of which of the following, the one of which is least likely to cause a disease, that is parasitic worm. Hamara next section hai polity, jisme se abhi sirf 8 questions aaye the. Which amendment to the Constitution of India transferred the subject of education from stateless to concurrent list? So iska answer hai 42nd amendment. Hamara next question is, which of the following statement is not correct? यहाँ पे आपका keyword है not correct, so इसका answer है D. जो electoral bonds होते हैं वो specified period के बाद valid expire हो जाते हैं, so it's not correct. हमारा next question is, attorney journal के बारे में क्या सही है? So इसमें one only answer है क्योंकि वो legal practice कर सकता है और वो joint meetings में बैठ सकता है. And यहाँ पे mandatory word use क्या है? So it's not mandatory, it's by tradition कि वो जब government छोड़ती है तो he got changed. तो इसका आंसर है one only. So our next question is, educationally backward classes form हुई हैं, इनके बारे में ये statements दी गई हैं, so इनमें से कौन सी correct है? So इसमें से one and three correct है. जो second है कि इसने replace क्या है, that is wrong. हमारा next question is very simple, which of the following committees parliament is concerned with the regularity and economy of expenditure? So इसका आंसर है public and accounts committee. Moving forward, our next question is, abolition of IAS, IPS and other all India services ko kisne recommend kiya tha? So it's Raja Mannar Commission. So our next question is, which schedule of Indian constitution contain the name of the states and their territorial details? So ye answer is, it's very first, jo territory ko define karta hai. Our next question is, which article of Indian constitution reads, it would be responsibility of the union to safeguard the states from external threats and internal disturbances. So article 355 states that. Our next section is current affairs, jo ki bahut important tha. So our first question hai, which country recently took the chairmanship of G77? So iska answer hai Palestine. Next question is about Bishkek Declaration, jo ki related hai Shanghai Cooperation Organization Summit se. Agla sawal, highest civilian award of Japan, the order of raising sun, gold and silver star, wo kise diya gaya hai? The answer is Shyam Saran. Agla sawal hai, Northeast India based ek political party, jise national party declare kya kar diya gaya, wo kaun si hai? So that is National Party, People's Party. हमारा अगला सवाल, which place in southern India was recently in news for local coffee variety called Robusta coffee? इसका आंसर है वायनाड ऑफ केरला. Our next question is, consider the following statements in Asia Africa corridor. So इसका correct answer is both. ये जो दोनों statements हैं, they are correct. अगला question, महादाई रिवर वाटर डिस्प्यूट कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है? सो ये है महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गोवा के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग. सो यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका ये गलत है, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, बिकॉज सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी, दैट इज चाइना. मूविंग फॉरवर्ड, नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी किसे कहा है? सो उन्होंने कहा है टू सेव रिसोर्सेज बाय रिसाइकल रीयूज द ऑलरेडी वंस यूज्ड मटेरियल. सो इसे कहा जा रहा है सर्कुलर इकोनॉमी. अगला सवाल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 24th यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहाँ पे हुई? सो ये हुई कैटावाइस, पोलैंड में. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस for his work in specially abled children, wo kise mila hai? So ye mila hai Francis Labord ko. Our next question is, recently brought into operation, India ka largest strategic petroleum reserve kahan hai? So ye hai Vishakhapatnam mein, Bikaner aur Puducherry mein to hai, but they are not operational. So jo operational hai, that is only in Vishakhapatnam. So our next question is, which of the following is concerned with Mission All Out?
सो यहाँ पे बहुत ही विटी आपका जो ऑप्शन है दैट इज कि मस्कीटोज भी दिया गया है, बट द आंसर इज टू एलिमिनेट ऑल द आर्म्ड इंसर्जेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाइट लेबल एटीएम्स किससे रिलेटेड है? सो ये न्यूज में थे एटीएम्स विच आर ओन्ड ऑपरेटेड एंड इवन मेंटेन्ड बाय द थर्ड पार्टी. हमारा अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स है जो कि साइंस एंड टेक है. सो इसका आंसर है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो इंडिया ने लॉन्च की वो उस मिशन का नाम क्या था? उस मिशन का नाम था मिशन शक्ति. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिगार्ड टू आउटर स्पेस ट्रीटी. तो इसके फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है. थर्ड इसमें लिखा है कि इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ द इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रीटी वेयर इज इंडिया इज द पार्ट ऑफ द ट्रीटी. सो इसका आंसर हो जाता है 1 and 2 ओनली. मूविंग फॉरवर्ड, our question, next question is which committee is related to defense reform. So iska answer hai db shekhatkar committee. So our next question is which neighbor country of india has signed memorandum of understanding with india jo ki hum unke 1800 civil servants ko train karenge. Iska answer hai bangladesh. So our next question is china is building the first of 4 most advanced naval frigates. Ye kiske sath bana raha hai? To ye pakistan ke sath deal ki hai. Next question is which India recently became the world's first woman amputee to climb highest peak of Antarctica. Iska answer hai Arunima Sinha. Moving forward, 4th International Ayurvedic Congress September 2018 mein kahan hui hai? Iska answer hai Netherlands. So hamara agla sawal hai, PM ne ek book launch ki hai jiska naam hai Moving Forward 1 year in the office. Ye kisne likhi hai? Ye likhi hai Vice President Venkaiah Naidu ne. Our next question is Mars पर एक मिशन लॉन्च किया जाएगा by 2020 जिसका नाम है होप. वो कौन सी कंट्री ने किया है अनाउंस? सो वो UAE ने अनाउंस किया है. नेक्स्ट इज नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट विच इज फर्स्ट ऑफ इस काइंड इंडिया ने वो कहां पर खोला है? सो इसका आंसर है वडोदरा. मूविंग फॉरवर्ड, ये भी बहुत न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे PM गए थे. सो बोगी बिल एक रेल कम रोड ब्रिज है, ये कौन से रिवर पे है? ब्रह्मपुत्र पे. नेक्स्ट भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट दैट इज सागरमाथा फ्रेंडशिप 2 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? सो इसका आंसर है चाइना एंड नेपाल. मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑटोमोबाइल जायंट्स रिसेंटली डिक्लेयर टू बिकम कार्बन न्यूट्रल कंपनी बाय 2040? इसका आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा. नेक्स्ट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें स्ट्रेटेजिक थर्ड पार्टनर कंट्री कौन सी बन रही है? सो उसका आंसर है सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज रैंक फर्स्ट इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश. और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? इसका आंसर है अनिल मनी भाई नायक. नेक्स्ट, हिंदी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाली है किस कंट्री की? आंसर इज अबू धाबी. Our next question is who among the following has been appointed as the chairman of National Commission of Socially and Educationally Backward Classes? The answer is Bhagwan Laisani. Next question, which schedule of Indian Constitution contains the name of the state and its territorial details? Ye question repeat ho gaya, iska answer hai first mein territories ko define kiya jata hai. Our next question, the article of which Indian constitution reads it would be responsibility of the union to safeguard the states from external threats and internal disturbances? The answer is article 355. Bankruptcy and insolvency code jo aaya hai parliament mein 2016 mein, wo kis committee ne use report kiya hai? So that the answer is TK Vishwanathan committee. Our next question, consider the following statements new development bank के बारे में. So इसके जो answers हैं उसमें इसका answer 1 नहीं है क्योंकि ब्राज़ील भी इसका part है. So the answer is 2 and 3. Next question, which country recently has become the member of International Criminal Court? The answer is Malaysia. Moving forward, which city won the award for being the cleanest city of India under third Swachh Survekshan? So इसका answer है इंदौर. Next is a fact again. National Institute of Mental Health Rehabilitation set up kiya gaya hai Madhya Pradesh mein. Also, next one is very simple.
इन दिस रिवर डॉल्फिन्स को स्टेट जो है वो एक्वेटिक एनिमल बनाना चाहता है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल बनाना चाहता है, दैट इज पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईपीएस ऑफिसर हैज गॉट रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इसका आंसर है ऋषि कुमार शुक्ला. Moving forward, according to the Transparency International, which state occupied the top slot in ranking best practices followed by budget formulation? So, its answer is Assam. Next question, which program has Election Commission of India launched for verification of voters? Jo aapke 2019 ke general elections hue hain. So, its answer is Voter Verification and Information Program. Our next question is, kaun sa DD channel पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है अरुणा प्रभा. नेक्स्ट इज द एम्बिशन प्रोजेक्ट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन सुबर्ण रेखा पोर्ट कहां पर है? ये है उड़ीसा में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो कनेडियन फिल्म मेकर ऐसे कौन से हैं जिन्हें अकेडमी ऑफ कनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा है? सो इसका आंसर है दीपा मेहता. नेक्स्ट इज अनडॉन्टेड सेव द आइडिया ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? सो ये लिखी है पी चिदम्बरम ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत रीसेंट न्यूज में था, एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसने 100 करोड़ का फाइन लगाया है कौन सी स्टेट को? दैट इज तमिलनाडु. नेक्स्ट इज 40th इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल कहां पर हुआ है अभी? सो इट्स जैसलमेर. मूविंग फॉरवर्ड, Asian city hosted the Special Olympics World Games 2019. So, iska answer hai Abu Dhabi. Abhi recently first Lokpal kise recommend kiya gaya hai? So, iska answer hai Pinaki Chandra Ghosh. Next is, which is the newly established Bankruptcy and Insolvency Board of India headquarter? Uska headquarter Delhi mein hai. हमारा अगला सवाल है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है इसरो ने फॉर स्कूल स्टूडेंट स्कूल चिल्ड्रन, उनका उसका नाम है युविका. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल वाइड सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम एम करती है, सो इसका एम थर्ड थ्री ओनली है, दैट इज चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्म लैंड्स. हमारा अगला सवाल, साउथ एशिया रीजन पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्फ्रेंस कहां हुई है? सो ये भी रिसेंटली दिल्ली में हुई है. हमारा अगला सवाल है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट स्टेट फॉरेस्ट 2017, डूइंग द 193 इन 3, 2 एंड 1. सो हमारा अगला सवाल है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ India State of Forest 2017, what is the percentage cover of forest area? जो total geographical area है country का, उसमें से forest cover कितना है? So इसका answer है 21.54%. So guys, next section जो हम discuss करने वाले हैं, that is science and technology. Our first question, the gap between two neurons, उसे synapse कहा जाता है. Next is Lewis posture is associated with the theory of biogenesis. नेक्स्ट इज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे का भी ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज 22 में. नेक्स्ट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर है ओजोन. हमारा अगला सवाल, फूड कैंस जो है वो टिन से कोट किए जाते हैं ना कि जिंक से, व्हाई? इसका आंसर है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से. हमारा अगला सवाल है, अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो पीएच इज लाइकली टू बी 10. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हाईएस्ट वेलोसिटी इनमें से सबसे ज्यादा किसकी है? सो दैट इज लाइट. अगला सवाल है, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किसमें मिला था? उसकी वन ऑफ द बेस्ट थ्योरीज जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, लेकिन नोबेल प्राइज इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल आस्क्ड क्वेश्चन मेनी टाइम्स, एंड दैट इज सन इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन. हमारा अगला सवाल है, फाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? सो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. हमारा अगला सवाल है, क्लोरोफिल इनमें से क्लोरोफिल में कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है? सो दैट इज कैल्शियम नहीं होता है.
Our next question, which of the following is also known as power plants of the cell? So, powerhouse of the cell bhi kaha jata hai, that is mitochondria. So, guys, our next section hai modern India. Our first question is, which of the following acts gave the Indians a share in the administrative of their administration? No. Starting in 5, 4, 3, 2, and 1. So, guys, our next section is modern India. Our first question, which of the following acts gave the Indians a share in administration? So, iska answer hai, Indian Council Act of 1861. Hamara agla sawal hai, inme se kaun governor general tha, lekin viceroy nahi. So, iska answer hai, Lord Ellenberg. Our next question, when did the Akalis take the keys of Golden Temple at Amritsar? Our correct answer is 1921. Our next question, inme se kaun sa paper Annie Besant ne likha hai? So, iska answer hai, Commonweal. अगला सवाल है, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस में किस किस को प्रिजनर्स लिया गया था? सो इसका आंसर है एमसी चागला. मूविंग फॉरवर्ड, हमारा अगला सवाल है, हु रिप्रेजेंटेड द अनटचेबल्स इन शिमला कॉन्फ्रेंस? सो इसका आंसर है शिवराज. हमारा अगला सवाल, अंडर हूज प्रेजिडेंटशिप द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वॉज हेल्ड इन कैलकटा? सो इसका आंसर है आशुतोष मुखर्जी. Our next question, who presided over the Amritsar session of All India Congress 1919? The answer is Motilal Nehru. Our next question, of the following cities, who was opened the first medical college for women in 1916? So, iska answer hai Delhi. And our next question, ki Bible ki commentary kisne likhi thi? So, iska answer hai Sayyid Ahmed Khan. Moving forward, our next question is, where was the center of Ahmadiyyas established in Pakistan after the partition? So, iska answer hai Rawalpindi. Moving forward, next is, when was the Kanya Mahavidyalaya founded in Jalandhar by the Arya Samaj? So, iska answer hai 14 June 1896. Our next question, in mein se kaun si jo statement hai that is not correct about Farazi movement? So, iska answer hai, its leader preached in Persian and Urdu only. So, ye hai, this is not correct. Our next is, which of the following acts removed ban on the missionaries to preach Christianity? So, iska answer hai, Charter Act of 1813. Next is, when and where was opened the first female school in Punjab? So, iska answer hai, 1856 at Rawalpindi. Moving forward, who was the following was a great British artist of the miniature painting? So, his answer is John Smart. Next is, which of the following is correct about Jamaat-e-Islami? So, his answer is that he wrote 4 periodical studies. Our next question, in mein se kaun Hindu Mahasabha ka leader nahi raha hai? Iska answer hai Lala Hardayal. Moving forward, the Namdhari leader Baba Ram Singh was a disciple of Balak Singh. So, हमारा जो last section है, that is economy. First question is, Reserve Bank of India rate of inflation कैसे check करता है? So, that is CPI, that is Consumer Price Index. Next question, 14th Finance Commission ने कौन से factor को consider नहीं किया है? So, that is demographic change. हमारा अगला सवाल है, Small Finance Bank का purpose क्या है? So, first and second है, that is 1 and 2. Entrepreneurs को rural areas में encourage करने का नहीं है. Our next question, 5-year plan, एक साल पहले जो terminate हो गया था, वो कौन सा है? So that is 5th 5-year plan. हमारा अगला सवाल है, gross fiscal deficit of the state government कैसे finance करती है? So, currency वो print कर नहीं सकती, second जब eliminate हो जाएगा, तो only one is left, that is 1 and 3. हमारा अगला सवाल, goods and services का मोटिव एडवांटेज क्या है? सो इसका आंसर है वन ओनली, दैट इज मल्टीपल कलेक्शन जो है वो एक ही टैक्स से रिप्लेस हो जाएगा. सो आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हिच 5-year प्लान इन इंडिया हैज रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट गैप? इसका आंसर है 9th-year प्लान. उसमें सबसे ज्यादा गैप देखा गया सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में.
सो गाइज दैट्स इट, ये आपकी आंसर की थी. हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको गलत लगे, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो जो आपको लगता है कि दिस इज रॉन्ग. एंड अब जो हो गया दैट हैज बीन डन, अब HAS के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए एंड स्टे इन टच. ऑल द वेरी बेस्ट.